रायबरेली में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी पर दवाइयों की 1253 किट भेजी हैं। नवजात से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को 4 आयु वर्गों में बांटकर अलग अलग किट बनाई गई हैं, जो जरूरत पड़ने पर आशा और एएनएम घर घर जाकर बच्चों को दवाओं की यह किट उपलब्ध कराएंगी, जिसका शुभारम्भ आज सीएचसी में नगर अध्यक्षा सरला साहू और उनके पति भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू द्वारा 125 आशा तथा 123 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से किट प्रदान की गई। आपको बता दें कि सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राधा कृष्ण ने बताया कि बच्चों के लिए अभी तक कोरोना का कोई टीका नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका अधिक है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाएं करने में जुटा है। तीसरी लहर आए तो निगरानी समितियां घर घर जाकर पता करेगी कि बच्चे संक्रमित तो नहीं हैं। जिस घर के बच्चों में कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें मेडिकल किट दी जाएगी। अधीक्षक डॉक्टर राधा कृष्णन ने यह भी बताया कि बच्चों व किशोरों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहली श्रेणी में 1 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है, दूसरी श्रेणी में 2 से 5 वर्ष, तीसरी श्रेणी में 6 से 12 वर्ष और चौथी श्रेणी में 13 से 17 वर्ष तक के बच्चे हैं। बच्चों की आयु, वजन और क्षमता के अनुसार किट में दवाएं रखी गई हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर अध्यक्षा सरला साहू व विशिष्ट अतिथि उनके पति पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के क्रम में पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा बताया गया है कि पहले चरण में सीएचसी महाराजगंज में 1253 दवाओं की किट मिली है, जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नगर अध्यक्षा सरला साहू द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। भाजपा नेता श्री साहू ने यह भी बताया कि कस्बा महाराजगंज में 2500 परिवारों को वे स्वयं घर घर जाकर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर तथा दवाओं की किट वितरित कर रहे हैं, ताकि कोरोना की तीसरी जंग से लड़ा जा सके। कार्यक्रम के अंत में मौजूद सभी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कोरोना काल के दौरान शहीद हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डॉक्टर भावेश यादव, डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, डॉक्टर भारद्वाज, BCPM शिवाकांत तिवारी, चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। जो भी हमारी आशाएं को वहां जाके इस तरह के बच्चे मिलेंगे, उन बच्चों को हम किट देंगे और उसकी जांच के लिए फिर यहां पे बोलेंगे कि जाइए और अस्पताल में जाके उनकी जांच कराइए, जिससे जिस तरह भी इस तरह की चीज़ जो कोरोना में होने की संभावित रहेंगे वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे और दवा भी उसको मिल जाएगी। और इस तरह की चीज़ें ये हम लोगों ने निगरानी समिति में हर जो हमारी 53 ग्राम सभा ग्राम पंचायत हैं उनके हिसाब से किट आई हैं और उम्र के हिसाब से 1 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को, 5 वर्ष से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे या 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों अलग अलग किटें हैं। सब सवारी हमारी जितनी आशाएँ हैं उनको हम लोग 5-5 किट दिलवा दे रहे हैं अभी और शुभारम्भ आप ही के द्वारा करवाया जाएगा। तो आइए अपनी आशा एक आइए इस CSC के मैनेजर हम लोगों के बहुत ही राधा कृष्ण जी और इनकी पूरी टीम जिस हिसाब से कोरोना का संघर्ष किए लगातार 3-4 महीने से जो कोरोना काल आया है उसमें हम देख रहे थे डॉक्टर साहब की तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर भी ये कोरोना भी हो गया था इनके और ये लगातार कोरोना ठीक हुआ फिर यहाँ जुट गए। तो मैं ऐसे डॉक्टर राधा कृष्ण को बहुत साधुवाद देता हूँ इन्हीं के और सभी पूरे महाराजगंज ब्लॉक में जगह जगह आशा बहुएं और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। इसी वजह से कि ये तीसरी लहर कोरोना की जो आ रही है बहुत ही घातक खतरनाक है, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग सब जुटे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तीसरी लहर को निश्चित रूप से आप लोग हराने का काम करेंगे, तीसरी लहर को पैदा होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग भी लगातार नगर पंचायत में कल भी रात में डॉक्टर साहब 2 वार्डों में लगातार लगभग 250 घरों में किट बांटने का काम कर रहे हैं, उसमें सैनिटाइजर, मास्क और कुछ दवाएं आप लोगों के सहयोग से सब लगातार बढ़ रही हैं। हम लगातार महाराजगंज में डॉक्टर साहब 2500 लगभग घर हैं और मैं हमने संकल्प लिया है कि हर एक घर घर में सैनिटाइजर, मास्क
प्लस दवाओं को लगातार बांट रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोग लगभग 1,000 घरों में पहुंच चुके हैं और बाकी 1,500 घरों में और जा के लोगों को दे रहे हैं। और कोरोना की तीसरी लहर को कैसे हराया जाए उसके लिए हम लोग व्यापक तैयारी भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे CSC में जो 0 से 1 साल के बच्चों के लिए, 1 से 5 साल के बच्चों के लिए और 5 साल से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो किट तैयार की गई है, निश्चित ही ये किट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है वो लगातार घर घर जाके आंगनबाड़ी कार्य करती है और सब लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं। हॉस्पिटल के राधा कृष्ण जी बराबर मेहनत करें, इनकी पूरी टीम मेहनत कर रही और इसी तरह से हम लोग लगे रहेंगे तो निश्चित ही कोरोना की तीसरी लहर को हम लोग हराने का काम कर सकेंगे। इन्हीं सब के साथ देशवासी आप लोग आए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, CSC में आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज CSC में जो बच्चों वाला निगरानी समिति के द्वारा जो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे और 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बच्चे जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के पेशेंट मिलेंगे बुखार के, तो उसके लिए हम निगरानी समिति में किट बांटी जा रही हैं आज जी, जो कि आशाओं द्वारा जो निगरानी समिति का भ्रमण करती हैं उनके द्वारा कोई इस तरह के बच्चे मिलते हैं बुखार के इस तरह के, तो उनको ये किटें वितरण की जाएंगी जी। किन के द्वारा वितरण किए जाएंगे? आज यहाँ पे कोई विशेष कार्यक्रम भी है? आज इसका उद्घाटन हमारा चेयरमैन साहब के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ करते हुए तब आगे सारे जितने भी हमारा प्रोग्राम है ये संचालित होकर। थैंक यू।